बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ नमकीन गोश्त ब्लैक मिर्च वाला। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने गोश्त लिया है 1 किलो, ठीक है, बकरे का गोश्त था। तो मैंने कहा चले नमकीन गोश्त की रेसिपी तैयार करते हैं। तो इसके अंदर मैं करूँगी लहसुन ऐड, तो हाँ जी एक पूरी गट्ठी मैंने लहसुन की ली थी, लहसुन ऐड कर दूंगी। साथ अदरक का पेस्ट मैंने तैयार किया हुआ है, ऐड कर दूंगी। तो 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, ये ऐड कर दूंगी मैं। साथ काली मिर्च, तो ये सूखा धनिया 1/2 चम्मच, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा पीसा था, इतना ज़्यादा नहीं। साथ में करूँगी काली मिर्च ऐड और नमक, तो नमक ऐड कर दूंगी। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा, कम ज़्यादा ठीक है। तो थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा ऑयल। अब इसे मैं ढक्कन दे के रख दूंगी, ठीक है। ये जो हमारा गोश्त है ये पानी बहुत ही छोड़ देगा, इसलिए हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्की आंच पर मैं इसे रख दूंगी, ठीक है। तो हाँ जी, ये देखें हमारा जो नमकीन गोश्त है वो तैयार हो चुका है और गल चुका है, ठीक है। तो अब नीचे से चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी। पूरे 1/2 घंटे तक मैंने इसे पकाया, ठीक है। तो देख सकते हैं तैयार हो गया। तो नीचे से चूल्हे को मैं कर दूंगी ऑफ। तो हाँ जी, ये देखें हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैमिली में शेयर करें। तो इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें दोस्तों में फैमिली में। अल्लाह हाफिज़, बाय।